On our program today, we have two true climate heroes. The Iceman himself, Sri Chavang Norfell, who recently received the Padma Shri for his contribution to ice glaciers in Ladakh, and Sonam Wangchuk, whose life seems to be straight out of a movie. Welcome both gentlemen to the program. नॉर्फेल साहब, पहले आपसे बात करते हैं जी। आबा नॉर्फेल जैसे आपको लोग प्यार से बुलाते हैं जी। ये जो ग्लेशियर्स बनाने का जो एक आइडिया है, वो आपको कहाँ से आया? एक्चुअली मैं क्या कहता हूँ, मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था जी। तो उसमें तो मोस्टली मेरा जो लिंक जो ना, ये फार्मर के साथ रहते हैं जी। तो फार्मर के लिए आप वैसे भी तो फार्मर्स फैमिली से भी, बेसिकली मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। तो नेचुरली तो फार्मर को तो पानी ही तो इनको सबसे ज़रूरत होते हैं जी। तो जब मैंने उनको देखा, ये पानी के जो ये डिफ़िकल्टीज जो वो फेस कर रहे हैं जी। तो मैंने सोचा, क्योंकि वहाँ विंटर में काफ़ी पानी वेस्ट जाता है, अगर इनको भी कंजर्व करके, ये वेस्ट वाटर जो पानी जा रहा है इसको कंजर्व करके इन द फॉर्म ऑफ आइस दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द इरीगेशन पर्पस, तो ये सोच के मैंने ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए। नहीं, आर्टिफिशियल लोग डैम बना लेते हैं, पानी को कंजर्व करने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ग्लेशियर कैसे? अच्छा, ये देखें ना, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर और डैम में तो थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है ना, वेरी सिंपल टेक्निक, लो कॉस्ट और ये हाईली बेनिफिट फॉर फार्मर है। बेशक इसमें ये एक तो भी लो कॉस्ट और ये सिंपल टेक्निक है, और ये फंक्शन करता है ज्यूरिंग विंटर, दैट इज ऑल। और जो ड्रेम है ना, वो हम समर में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली क्योंकि ड्रेम का कॉस्ट काफ़ी होता है, उसके अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल 10 गुना उसका कॉस्ट। और उस पे एनवायरनमेंट पे उसका बुरा असर भी पड़ सकता है कई बार, अगर उसका कुछ डैमेज हो गया, वो हो गया, तो वो तो ही है। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है ना, इसमें उस इन चीज़ों का कोई वो ये डरने की कोई बात नहीं है। जब ये फॉर्म होता है तो बिल्कुल ग्रेजुअली वो फॉर्म होता है, जब ये मेल्टिंग हो जाए तो ग्रेजुअली मेल्ट हो जाता है, तो पानी जो हमने जो ये डैम बना उसमें से यानी थोड़ा थोड़ा तरह के हिसाब से मिल के आ जाता है। मैंने कहीं पढ़ा है आपको ये आइडिया अपने गार्डन में नेचुरली फॉर्मिंग ग्लेशियर। हाँ, एग्जैक्टली वो ये मैंने देखा, मेरे अपने गार्डन के सामने एक हमारा वही क्या कहते हैं ये कि वाटर सप्लाई एक पाइप है। अच्छा। तो विंटर में क्या होता है, और हमें जो पाइप जो ना 24 आवर्स उसको खोल के रखना पड़ता है, वरना क्या होता है, रात को बंद करेंगे तो ये रात को जम जाएगा, तो ब्रास ये पाइप जो ना ब्रास हो जाएगा। और ये क्या होता है, विंटर में ये जो पाइप से जो पानी निकलता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पाइप में कितना निकलता है, 1 इंच की डाई का वो पाइप है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, उसके नीचे एक गार्डन है, वो पानी जाके वो गार्डन में जाता है, वहाँ जो ही गार्डन में पहुँचता है वो फ्रीज हो जाता है जी। और उसी के समझो कोई 40-50 फुट नीचे जो मेन स्ट्रीम है उसमें काफ़ी पानी, वो क्या कहते हैं यानी वो उसके नस्बत में काफ़ी उसमें पानी आ जाते हैं, उसमें इतना आइस जमता नहीं है। मैंने ये देखा कि पानी को जमाने के लिए इसका वेलोसिटी जो है ना, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम में जो पानी का वेलोसिटी काफ़ी फास्ट है, उस वजह से, और एक तो वो वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वो वेलोसिटी भी फास्ट है, उसे ये जम नहीं पाते हैं। जो पाइप में जो पानी आता है वो बिल्कुल उसमें, एक तो पानी का वॉल्यूम भी कम है और इसका वेलोसिटी भी नेचुरली उसका कम ही है, तो उससे ये इंस्टेंटली वो फ्रीज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा, अगर ये सारा पानी कहीं डाइवर्ट करके, जिस तरह पाइप से पानी आ जाते हैं, इसी तरह इसको वो करेंगे तो पूरे के पूरे ये नाला स्ट्रीम में पानी जाता है, वो सारा ये जो ये नाल में पानी आके आइस जमते हैं, पूरे पानी को हम ये आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आसानी से ये कंजर्व कर सकते हैं। ये सोच के, ये आइडिया लेके फिर मैंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने स्टार्ट किए।
इस तरह से अगर आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जाए तो इसकी कीमत बहुत कम है जी जी, तो कितनी कीमत पड़ जाती है? ये तो मोस्टली ये साइट पे डिपेंड करेगा जी। ये अगर अच्छा ये छोटा ये एक तो कहीं हमें वो डाइवर्सन चैनल बना उसमें से थोड़ा कॉस्टली आ जाता है, वो तकरीबन 8-10 लाख का हो जाता है। अगर कहीं कहीं हमें बिल्कुल डायरेक्ट क्रॉस वाइज हम वॉलिंग करके पानी को रोकते हैं उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख का आ जाता है, यानी 3 लैक्स to 10 लैक्स जाता है इसका कॉस्ट। तो अब लद्दाख में तो विलेजेस जो हैं छोटे छोटे हैं, कहीं 5 मकान कहीं 10 मकान, इतने छोटे छोटे विलेजेस हैं, तो क्या लोग आपस में मिलकर भी ऐसा एक ग्लेशियर आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना सकते हैं? आर्टिफिशियल ग्लेशियर एक तो बिल्कुल मैंने पहले आपको कहा कि बिल्कुल इसका जो टेक्निक बहुत सिंपल है। अगर इवन एक लेमैन भी अगर साइड में जाके देख ले एक बार देख ले ही कैन डू बाय हिमसेल्फ। इसलिए और साथ साथ हम क्या करते हैं जहाँ जहाँ हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं खासकर हम पब्लिक को इनको इन्वॉल्व करके लोगों से ही काम कर जाते हैं हम। अच्छा। ताकि वो लोग साथ साथ काम भी सीखें और अपना ये काम भी पूरा करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम साथ साथ देते हैं इनको। सोनम आपसे पूछना चाहेंगे, यू हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स टू अ डिफरेंट हाइट, व्हाट इंस्पायर्ड यू? Well, I am a mechanical engineer and I have always been interested in solving problems. Right. As a child, puzzles that you would hear from friends, I would ask for puzzles more and more. As I grew up, there were enough in life. You know, people have all kinds of puzzles to solve to make their lives more comfortable. Having seen Norfel Saab's initiative in the mountain villages where there was shortage of water, I felt very impressed with this conserving the water that wastes away into the Indus and then into the Arabian Sea, stopping it, freezing it, and then using it when people need was a beautiful idea. I talked to him and he said there are some issues though, that people are not as hardworking now to go up and maintain it, and because it should not melt too early, so they had to be made at a very high altitude. Right. Now I was thinking, why does it have to be made at such a high altitude that people find difficult to maintain, and why does it have to be in the shade of a mountain to protect it from the sun? So that is one of the conditions of making an artificial glacier in this case. Yeah. And I was like, having heard these problems from Mr. Norfel, I was like, how can we solve that? Then one day I was passing through our school campus, which is at the lowest altitude possible in the area. 10,000. Yeah, around 10,000 feet. Huh. I saw under a bridge ice in May. You know, May is like early summer. Right. It's summer. And under the bridge there was ice. That, you know, clicked in me the idea that ice can stay even at 10,000 provided it is shaded. Right. Now, of course, you can't get shade everywhere, but I was convinced that now ice can be... Especially because Ladakh is really one of the highest deserts in the world. Yes. There's hardly any greenery in Ladakh. Yes. So finding shade is not all that easy. Yes, that's why you look for mountain shades, which you can't move or you have to adjust to wherever they are. And you cannot change a village, change a mountain. But then what you can do and what I did do, taking the experiment that Abba Norfel had started, was to think of what is it that melts the ice prematurely? Right. The cause of which we have to take it to high altitudes or behind shades. So I thought it is the sun. You know, so sun needs surface area to melt ice. Right. Now, because these artificial glaciers were horizontally formed on an expanse, they intercepted a huge amount of sun rays and therefore melted too early if they were not high up. So I thought, why not make it in a form, geometric form, that has minimum surface area for the given volume. And that could be either a hemisphere or a cone. Right. Yeah? So then I thought we should reduce the surface area of the ice and contain much more volume in a small surface area. Now that can be done if you raise your ice towards the sky, towards the sun, in a way sort of tricking the sun. Right. Yeah? By hiding your water within a very small surface area. Now the cone was the natural shape because that's how you could make. So I used, again, I borrowed his simplicity. I liked the simplicity and I wanted to maintain it so that there are no moving parts, machines, pumps and so on. So what I did
a step advanced, but still without any moving parts, was to take a pipe. So we put a pipe upstream, could be 50, 60 meters higher than the place where you want the glacier, and bury that pipe underground because it is so cold. It can only not melt if it is like 6 feet underground. Right. So bring the pipe underground, and then in a pipe, you know, it's high school science or even middle school science, water maintains its level. So if it starts upstream, the intake, then the outflow will be also rising up to the same level. So the water goes up in the pipe, it can go 20 meter, 30 meter, which is 100 feet. Mm-hmm. And then a fountain comes out. So I just put that pipe so that water is taken from upstream and a pressure under gravity builds up and the fountain, you know, bursts at this end. As the fountain water falls, interacting with the cold airs of minus 20, minus 30, it freezes and naturally takes the shape of a cone, which is a shape that has minimal surface area exposed to the sun for the volume. So this, as per my calculations, had, you know, 5 times less surface area than horizontal. I was not going to go for a huge experiment. We wanted to prototype it. Mm-hmm. So last winter, not this winter, this winter we did the pilot. Mm-hmm. But last winter with at our school, with our students, this school, alternative school in Ladakh, mm-hmm. is about solving problems Sekmol, in real life, yeah. Sekmol Alternative School. So with the students, we did a project where we did exactly this, but on a small scale. So we formed a ice stupa, we called it, this cone of ice, of two stories, because it looked like a traditional stupa. Yeah. We called it ice stupa. And it isn't exactly like a cone in the sense it doesn't have smooth surfaces. It's jagged. Organic. Yeah, organic, absolutely. Natural shapes, that's the beauty of it. So it does look like the chortens that you see on the skyline of Ladakh, isn't it? Exactly. That's, I mean, I didn't mean to, but aesthetically it came out as something from Ladakhi traditions. So yeah, absolutely, the Buddhist traditions. It is almost like divine intervention. Yes. Well, so this two-story ice cone, because it intercepted so little sun rays and contained so much water, lasted till 18th May last year. Yeah. So proving the bridge hypothesis right. Right. That it lasted in full sunshine and at 10,000 feet, lowest altitude possible. It lasted in May 18th, and that inspired us, and that inspired the neighboring village of Phyang, where the monastery said, we want this on full scale. Okay. We want you to do it. So that's how we ended up doing a pilot project this winter, and it's now 60 feet tall, which, by the way, happens to surpass the Guinness Book of World Record for man-made ice structure by 11 feet. Oh. That was not our aim, so we didn't even register, but just to tell you. So that contains roughly 2 million liters of water, and it is in the village. How do you harvest this water then? Same principle. The principle is same as April and May come, which is when there is least water in the streams, and which is when people most need water, it starts melting. And as it starts melting, there's this little, rivulet or a stream that starts coming out of the ice stupa. Now, eventually there'll be series, chains of ice stupas. Mm-hmm. So there'll be a sizable amount of water melting and coming out of the artificial glacier ice stupa form. Same as in this case. But the only difference is that here, because it is in the deserts and in the village, we'd be piping it in drip irrigation, you know, modernizing the farming technique also. Yes. But, you know, otherwise we do all these things and then let half of it go into the sand, half in evaporation, then you're left with very little. So why not modernize? Use science
you have solved it to conserve winter water into spring. Now why not use it to minimize use of water per tree by dripping as much water as the tree needs. So that's the idea. So now our hope is that this artificial glacier technique, whether horizontal or conical, between the two, should be able to be made anywhere in these high altitude landscape of Ladakh. Right. It wouldn't be possible below, you know, where it freezes, but right. wherever it freezes, it should be independent of location, is the idea. Yeah, the other mountains, the entire Himalayan chain, whether it is in Ladakh or other parts of the country where the mountains are high and there is a snow line, it can be done. Yeah, all over the Trans-Himalayan belt from Ladakh to Spiti, Kinnor, you know, Nepal and Garhwal and up to Arunachal, Tibet. Right. There should be many places that can benefit, all the way to Hindu Kush, Afghanistan and Central Asian republics, which have wasting water in winter that can be stopped in the form of ice to be used in spring. You were asking him about the economics of it, why artificial ice glaciers and not dams. Well, my answer would be because we in these cold places can, you can't. Absolutely. You know? As simple as that. We have this special, we have many disadvantages, but one advantage we have is we can store water in the sky. Right. Because water becomes solid as rock and we can store it in the sky, so why not? Yeah, since you can, you should. Yes. Now, Aban, Orphila, I want to ask you, you've seen Ladakh at its most beautiful for the last 70, 80 years. Mm. And now slowly as it degrades due to climate change, global warming, how have you seen it change? Yeah, I've seen a lot of change in the climate, you know. Right. When I was small, by say 12 years age, you know, during those days we are having a very heavy snowfall during winters. Okay. And what's happened, because of the heavy snowfall during winters, this our glacier are increasing that time, you know, say 50% will melt, 50% will eat in the glaciers. Now what happens because of the climate change, you know. Right. Now we are having firstly we are having a very low snowfall during winter. Mm-hmm. Secondly, whatever that snow we have got during winter, it melts within a weeks. Oh. Because of the climate change. That is why that, you know, in our regions, our main source of irrigation water is only that, you know, glacier and snow melt water. Mm-hmm. So, you know, of course we have a three rivers, but they are flowing very low level. But our habitants are on the high altitudes. We can't divert that river water in our high altitude villages. So that this only that we the alternative is how to we conserve this wastewater and can be use it properly. I must add that all artificial glaciers are made not with the Indus, which is the river, but tributary streams. Mm. You know, Ladakh, you have to understand that Ladakh is not based on Indus River itself. Right. It's every village is on tributary streams of the Indus. Right. And that's where you take the water from and conserve. So he's saying not let water to go into the Indus, where from you can't get it back because it's the lowest altitude. A river flows at the lowest altitude. That's how nature is. So streams that go into the Indus, that's along which the villages are formed. Mm-hmm. So stopping that from going into the river and using it for the land. Won't that have a negative effect on the river itself? Technically, yes. If we are very far from that, if every village was to conserve its water, there will be a little less water flowing in the Indus. But since in winter, you know, there's very little farming anyway, and until water still reaches the Arabian Sea, you need not worry, is what we think. Well, that's a good note to take a break. Let's take a short break. Yeah. We'll be right back.
Welcome back. Our guests today are very special indeed. They are pioneers in conservation of climate. They are both from Ladakh, Padmashri Chavang Norfelji and Sonam Wangchuk. Welcome back to the program. ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे आपके आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के बारे में. आपको कितनी मुश्किल आई इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में? आप देखो, स्टार्टिंग में तो जब मैंने इसका पहला मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो उस वक्त तो लोग भी हंसने लगा, पता नहीं ये क्या पागलपन ये की बात कर रहा है. तो मैंने कहा जैसे भी हो हम देख लेते हैं, अगर ये सक्सेस हो तो वेल एंड गुड, वी विल डू इट. तो ये सोच के हमने एक गांव जो भुक्ते गांव है वहाँ पानी के बहुत उनको दिक्कत होता है, तो हमने सोचा चलो हम देख लेते हैं थोड़ा ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस पे. तो हमने देखा कि वहाँ हमने थोड़ा सा छोटा सा ग्लेशियर बनाया. वो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं जाके उनसे पूछा कैसा रहा, तो वो कहता हाँ ये तो होने वाला है, ये तो ठीक तरह से जमता है, इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा. तो जब हमने वो देखा कि ये हो सकता है तो फिर हमने इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. कितने सालों से ये कर रहे हैं? मैं तो ये फर्स्ट मैंने इसका एक्सपेरिमेंट 1987 में किया था. अच्छा, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स ना? जी हाँ, ऑलमोस्ट 30 इयर्स. तो इतने सालों में 30 इयर्स में कितने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स आपने बनाए हैं, कितने विलेजेस में? अभी तो 10-12-13 गांव विलेज में वो हमने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए हैं जी. तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2010 में आपको पता है कि वहाँ वो फर्स्ट फ्लड्स के वजह से, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो पहाड़ के बिल्कुल उसी साथ साथ ही ये होते हैं, तो उसने काफ़ी मेरा ये जितने भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं वो सारा डैमेज कर लिया है. उसमें कुछ कुछ बच गया, कुछ कुछ हमने रेस्टोर किया है, आई बाकी को तो अभी फिर इसको रिकन्स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. सोनम, ये जो क्लाउड बर्स्ट की आबा नौफल ने बात की, ये इस तरह का क्लाउड बर्स्ट इज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड इन लद्दाख, इजंट इट? मैं अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं कहूँगा, इनफ्रीक्वेंट कहूँगा. अच्छा. मगर अगर आप लद्दाख के टोपोग्राफी को देखें तो बहुत मिसाल मिलेंगे जिससे आपको पता चलता है कि फ्लैश फ्लड्स आए हैं, तो वक्त वक्त पर आते रहे हैं. अब हमारे ज़माने में हो ये थोड़ा कम चांसेस हैं, तो ऐसे आते हैं क्योंकि डेजर्ट है और डेजर्ट में कभी भी बारिश हो तो कोई जंगल तो है नहीं जो इसे एब्जॉर्ब करे, तो सारा चला आता है. वो चाहे अफ्रीका में हो, लद्दाख में हो, जहाँ भी डेजर्ट कंडीशंस हो, बारिश होगी तो फ्लैश फ्लड्स आ भी जाते हैं. तो ये ऐसा होता है कई, शायद अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही हो. लद्दाखी लोगों का एक जज्बा है दैट इंडोमिटेबल स्पिरिट, दे रिकवर फ्रॉम दिस फ्लड वेरी फास्ट. यस, वी हैव अ वेरी गुड रेजिलियंस टुवर्ड्स सच थिंग्स, एंड यू नो आई से वी हैव रिस्क ऑफ फ्लैश फ्लड्स, वी हैव रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स, एंड अनदर कैलमिटी व्हिच वी रेगुलरली फेस इज दिस -30 विंटर्स, यू नो, एवरी विंटर. सो वी आर यूज्ड टू एंड ड्राउट. Yeah, we are used to, and it takes a lot of community spirit and helping spirit. So what I call the social capital, we may not have the, you know, the physical capital so richly there, but there is this social capital which helps people to first survive and then thrive in these desert conditions, and you know, come face such calamities also. And this is important that we conserve it in the name of development. Sometimes I'm concerned when people become so self-centric, we lose that social capital for this physical and financial capital. So it should not be this bad trade-off. Right? But is it happening in Ladakh as it is happening in the rest of the country? You know, the youth is getting more attracted to the material world rather than the spiritual or the real world. Yes, I am afraid that's happening there also, you know, with all kinds of glittery things coming, people are often misled into thinking that now I'm well off, I don't need to bother about my neighbors and so on, whereas the whole philosophy of surviving in a place like Ladakh is because we had this rich social capital. So we have to be very cautious in how we raise our children, we don't lose, you know, sight of these things. आपकी अपनी जिंदगी जो है वो भी, it's straight out of a Hindi film, isn't it? Three Idiots to be precise. Phunsuk Wangdu is
Probably inspired by your life, hasn't it? Well, I don't know. I met the people who were behind the film just before they started the film, so I see reflections of my life in there, but I haven't seen them formally saying so, so I don't want to comment on that. In any case, you know, films are about life. Life does not need to worry about its, you know, this. जिंदगी की तस्वीरें ली जाती हैं, तस्वीरों की जिंदगी नहीं बनती है, तो I don't know. नहीं, वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर लोगों ने थ्री इडियट्स देखी है, दे कैन गेट एन इनसाइट इनटू द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लीडिंग देयर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पीपल दैट यू आर एजुकेटिंग इंस्पायरिंग. ये जो है, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर बट यू आर यूजिंग इट प्रैक्टिकली. Yes, that's and Secmol itself, yes. Isn't it? My effort has been, although I did my mechanical engineering, my effort has been that any education should be about solving real problems in lives. It should not be about solving examination problems on papers and getting this set marks and then certificate and then degree and you've done. No, if it doesn't help anybody, if it doesn't solve any person's life situation, it's worthless. So I've always tried, whether in my own case or in among the students that we have at this alternative school, to use the education, the science, the mathematics we study to solve life's problems. So at this alternative school, which we started in Ladakh on the banks of Indus, which is meant for, you know, solving another problem itself, it is meant. So we have high failure rates. When the education system doesn't work for people, then there is so-called failures. You know, we used to have 95% students failing in 10th grade. Okay, yes, in the other schools? In government schools in general. So right. We launched a movement called Operation New Hope to undo that, to analyze what is the cause and then to address them. So over 10 or 20 years now, it has come from 5% to 50 to 60 to 70 even, they say. So that has changed. But still students fail and they should not. And every student has a right to feel successful. So we take students who are so-called failures at this alternative school and turn their lives around because they are not failure. In fact, you said somewhere that the qualification to be in the school is that you have to have failed in another school to come here, isn't it? There are so many schools that only accept successful first division, second division, distinction. So we thought there should be a school that accepts only failures. Okay, that's quite amazing. So this school accepts only failures, but then they don't remain failures because they are not failures. They are very good people. Maybe they are too honest to cheat and therefore they fail. You could have any number of reasons. So I was just telling you that some of our students who had failed 5 times became top journalists, became politicians, education ministers. Filmmakers. Filmmakers who are winning awards internationally, or a woman who became the top woman entrepreneur and she was declared woman of the year, person of the year by a university. So they all go out and they are more successful than the so-called who did not fail the exams. Okay. Often those who succeeded regret that they didn't fail and start it afresh. I think you need to start these schools all over the country. Exactly. Not me, but people should everywhere get inspired. Should take. Often people ask me, would you start another school in Chennai or Ahmedabad? I say, it's for people from Ahmedabad to do it, but I would do anything to help that happen. You know, if each part of India takes care of itself, India will take care of itself. That's such a beautiful thought. Sonam, what is it that you do differently when students come to you? Do you have some secret formula? And not really. Unfortunately, it has become a sort of a secret. We try to bring that self-esteem back to the student, you know. If you have lost self-esteem and self-confidence, then all the things that you can do normally, you can't do, and therefore you are branded a failure. But if you find that self-esteem and self-respect, which our schools unfortunately are very good at helping people lose that, you know,
perfectly fine people are made disabled, I would say. Yeah, and they tend to lose their individuality completely. So you have to follow a uniform. That's the reason why most people fail. And at this school, we try to bring that thing back, and everyone feels I'm good. So I'm how do you work on their psychology, or do you make studies more interesting? Or no, we do both. We try to go back to what conditions made them become what they are, and it's not their fault, and it's not somebody's fault we have to take revenge, but we have to make up, you know, and rise above those situations. So they try to find themselves and see that they can do well, and when that spark comes, you can't stop somebody from succeeding. There's been this spark in most of your students, and they followed in your footsteps with new innovations in creating solar devices, all kinds of solar devices, mud pipes and what have you, isn't it? Yes, so as I said, education is all about training to solve problems, you know, and make life happier. So at this school, we try to find solutions. For example, early on, we saw that Ladakh is such a cold place, and people really shiver through the winter, and we thought they need not. There's, you know, Ladakh is also the sunniest place in the world, perhaps. So why not make the sun and the cold meet and create new energy? Yes, exactly. So we started designing. There's nobody who cannot afford mud, nobody who cannot afford sun. And with human resource, you can bring the two, and anybody can have a comfortable habitat. So at this campus, and this is not going to in any negative way affect the environment at all. Very positively, very positively, because at this campus, we use not a drop of oil, not a piece of wood to heat, yet we have like 15 degrees plus when it is minus 20 minus outside. It is anytime warmer than a house in Delhi in winter in Ladakh without using any heating. And in Ladakh, temperatures go down to minus 40. Yeah, minus 20, 30. 30. So I'm saying it has positive impact, because if we don't burn oil, there's no emissions, there's no pollutants. If we don't burn wood, there's not CO2. So, and people are comfortable. So it can only add to the, you know, richness of nature, because you are not cutting all the wood to burn for your heating. And you don't have wood anyway. In Ladakh, there is no wood available. Well, wood we don't, but people denude the mountains of whatever little bushes there are. Yeah. So if you make it solar and use just the earth under your feet and live comfortably, then nature smiles, because there are bushes growing and, you know, greening the mountains. You're not denuding them. So it adds to nature, and it is perfectly possible. There you have the sun. In the past, we didn't have glass. Right. Now we have glass. Now we have study of mechanical, you know, or thermodynamics, heat science. So what is the point of heat science if you can't make your house warm? Every student in the country in 10th grade studies about heat. Right. There is a chapter on heat. Mm-hmm. Very few use it to make their lives warmer or cooler in Delhi. So what's the point of, you know, going through the torture of doing examinations if you can't make your house warmer or cooler? Do you think you have space in your school for adults who want to get re-educated? Yeah, we do. We keep doing. We do courses for students, and short, long courses for young students, and short courses for like adults. Could be engineers, architects, anybody, bankers. People from television. People from television. I see a candidate right here. And people come from France, Australia, Bangalore, Mumbai, all over. So I would like to see Ladakh a place for learning. Main aapse puchna chahti hu, Nordal saab. Sonam ne baat ki education ki, and how you know, this kind of education has space in Ladakh. Yeah. When you studied, तब इतनी एजुकेशन थी नहीं लद्दाख में. अभी तो ही इज एन इंजीनियर, देयर आर सो मेनी एजुकेटेड पीपल. तो उस वक्त एक फार्मिंग कम्युनिटी से आप कैसे इंजीनियरिंग की तरफ आए? आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल स्कूल था. अच्छा, ले में. हाँ. तो हमारे जमाने में फिर वो हाई स्कूल अपग्रेड हो गया है. उसे उस टाइम में एजुकेशन के तरफ लोग इतना खास ना एफोर्ड कर सकता, ना इतना फैसिलिटीज थे, तो इतना वो
जॉब अपॉर्चुनिटी का वो था, यानी सब कुछ, यानी इतना बैकवर्ड था। मेरा कहने का मतलब ये है ना, एजुकेशन में तो ऑलमोस्ट हम नील समझो, और कोई उर्दू बोलते तो हम कैसे, ये देखो ये जिन्हें कितना पढ़ा लिखा हुआ है, ये उर्दू बोल सकते हैं। कभी कभी डर लगता है कि हम इतना उर्दू और इंग्लिश ना बोलें कि लद्दाखी ही भूल जाएं, तो वो ब्रेक भी बैलेंस भी जरूरी है। या दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड, कि अपनी जो रूट्स हैं उनके साथ, जो कल्चरल रूट्स हैं उनके साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैं पूरे भारत में देखता हूँ, जैसे मैं लद्दाख में कह रहा हूँ कि मैं डरता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब दिल्ली के लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। मैं इतना लद्दाख का हूँ, हिंदी सीख सीख के बोलता है यहाँ, बोलता हूँ यहाँ पर, हिंदी बोलने को लोग नहीं मिलते, बोलते हैं तो टूटी फूटी बोलते हैं, जिसपे मुझे जरा शर्म आती है। नौटल साहब, एक तरफ तो ट्रेडिशंस की बात है, कुछ चीजें हमसे छूटती जा रही है, खासतौर पर जब क्लाइमेट की बात करें, अब जो नेचुरल ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमको एफॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए, पेड़ और उगाने चाहिए, ताकि यू नो व्हेन द क्लाइमेट इज चेंजिंग एनी वे, वॉट कैन वी डू टू सेव इट नाउ, ऐसा करना चाहिए? बेशक, वो तो प्लांटेशन जितना हो सके, तो प्लांट जितना प्लांटेशन कर सके तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। लद्दाख में एफर्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ, अभी तो लोग काफ़ी मार्स स्केल में प्लांटेशन कर रहे हैं, तो रिसेंटली लास्ट ईयर वो जो डुक्कर इम्पोजी ने वो जो ये इसके एक जिसमें वो, हाँ वो उसमें भी आ गया था, 50,000 पेड़ों का, 50,000 एक घंटे में लगाए हैं, एक घंटे में, मगर 10,000 लोगों ने मिलके। And this again is the community spirit which comes into play, isn't it? In Ladakh, we still have the good fortune of community getting together to solve big problems. I hope that lasts. I hope that lasts. And on that note, let's take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनम वांगचुक और उनके गुरु नौटल साहब। नौटल साहब, आपकी फैमिली लाइफ कैसी थी? मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे तीन भाई हैं, एक बहन है, तो मेरे बड़े भाई ने बहुत मेरी मदद की है, तो उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके थोड़ा कुछ वो करके मुझे पढ़ने के लिए श्रीनगर भेजा है। आपने वो वक्त भी देखा है जब लद्दाख में गाड़ी होती नहीं थी, अगर एक आधी आ जाए तो शोर मच जाता था। बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ना, आप देखा ना, जब भी ले श्रीनगर रोड जो 1962 में जो ये खुला, तब उसको इनोग्रेशन के लिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री उस वक्त कृष्णन मेनन साहब था, वो आए थे। जब वो आया तो उनके साथ चार व्हीलिस जीप थे। अच्छा, लोग हैरान होते थे तो कितना गाड़ी आ रहे हैं, किसी ने गाड़ी देखा नहीं उसने। तो यानी इसका मतलब कितना आप सोच जाए, कितने आजकल तो मेरे घर में एक एक गांव, एक एक घर में पांच पांच छह छह गाड़ी होगा। बहुत ही इनोसेंट समय था, जब कोई कम्युनिकेशन थी नहीं, तो एक आइसोलेशन रहती थी। उस दौर में आप जब छोटे थे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? मुझे ये अभी भी याद है, एक बात, यहाँ के वो दूरदर्शन का एक वहाँ आए थे, तो उन्होंने बच्चों से ऐसे 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 पूछते गया, तो वो मुझे पूछने लगा आप क्या बनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा। और मुझे उस टाइम ये पता नहीं, वो कहता है कौन सा इंजीनियर आप, मुझे उस वक्त इंजीनियर खाली इंजीनियर ही है, उस मैकेनिक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, क्या है वो मुझे वो पता भी नहीं था इंजीनियर, यानी इतना वो थे। मुझे वो याद है, मैं उस टाइम में उनको ये कहा मैं इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ, तो आपका सपना जो था वो पूरा हो गया। That's quite amazing. नॉर्मल साहब ने जो बात कही कि उस वक्त 62 में तो एक गाड़ी आ गई तो वहाँ हंगामा हो गया था, एंड टुडे एवरी हाउस हैज 5 कार्स, हाउ इज दैट आल्सो अफेक्टिंग द क्लाइमेट इन द एनवायरनमेंट इन लद्दाख? यू हैव रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जनरली वी टेंड टू बिलीव दैट यू नो द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हैज टू डू विद the USA and Europe and these big industrialized countries. But of late, there have been more and more research that not only are we adding to that bigger phenomena also, but all that we are doing locally, especially in the mountains and the foothills, is directly affecting the glaciers. Right. Because all the soot, the black carbon, there's this whole new dimension that has come up in the last 2 years of black carbon. The soot, the black carbon that rises from your diesel and even petrol cars and all the fuel you burn to keep warm
goes up in the sky and it has to land somewhere. Right. And it lands on these white sheets of snow and ice. Right. And of course, dark colors help melt ice faster. Mm. So we are, in a way, very effectively contributing to our own melting glaciers. And therefore, I'm promoting this philosophy in trying to do it in Ladakh and maybe in the rest of the country, that in 21st century, you know, we speak of non-violence, ahimsa. But ahimsa, himsa is not happening with guns and daggers in 21st century as much, by far, as is happening from our lifestyles. Right. We are living lifestyles where we go for a matchbox in a big SUV, right, releasing kilograms of CO2 every 6 kilometers. That's himsa. That's killing our glaciers, killing our birds, killing our own elderly people, right, coughing, little children. Yeah. So I think we in the Ladakh and mountain regions are directly contributing to that. And you in Delhi are directly contributing to all these people dying of respiratory diseases. Absolutely. When you unnecessarily drive a car, even when you have metros and things. Mm-hmm. So lifestyle has become a deadly weapon in this 21st century, and we all have to do something about it. And this is creeping into the mountains as well? Into the mountains also, yes, yes. And this is the model of development we are sort of made to desire. Mm-hmm. Up in the mountains also, and there has to be some reversal, you know, simpler lifestyles from the mountains should come down to the big cities also. And I like to say generally, you know, and I'll say again here, please live simply in the big cities so we can simply live in the mountains. Is there any way of recharging natural glaciers? जब तक वहाँ स्नोफॉल ठीक तरह से नहीं होता इसका रिचार्जिंग का बहुत वो कम चांसेस है और साथ साथ वहाँ देखो ना हमारा यहाँ बारिश जो है ना बहुत यानी बाकी आपके यहाँ के डाउन के नस्बत बारिश बहुत कम पड़ती है वहाँ आप देखें ना आप बिलीव नहीं करेंगे वहाँ जो यहाँ 5 मिनट में जो यहाँ बारिश होता है वहाँ साल भर में उतना ही होता है जहाँ तक ग्लेशियर्स बढ़ाने की सवाल है वो तो प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी हाँ जब तक आपके बादल नहीं आएंगे और वो परिस्थितियां नहीं हो जिससे तो वो मनुष्य के हाथ में नहीं है इंसानों के हाथ में नहीं है मगर आपने जो बात छेड़ी तो मुझे याद आया कि ग्लेशियर्स को रिचार्ज कैसे करें जो ये कर रहे हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको और एक सतह पर ले जाएं अगर कि जहाँ से भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी बन रहा है उसे फिर जमा दिया जाए अच्छा खासकर सर्दियों में जहां भी संभव है उसे फिर जमाया जाए जैसे मैं आइसटूपर्स बना रहा हूं तो आइसटूपर्स इतने बड़े बने हर जगह जहां से भी पानी बह के व्यर्थ जाती हो जाया होती हो सर्दियों में और वो इतने साइज में बने कि अगले गर्मियों में भी वो न पिघले तो फिर अगले सर्दियों में फिर उस पर और रिचार्ज जो आप कह रहे थे वो होगा और फिर इतना साइज उसका बड़ा हो कि वो फिर अगले सर्दियों में फिर ना पिघले किसानों को मिले पानी हाँ। मगर इतना बड़ा हो कि वो पिघल भी ना पाए और फिर सर्दियां आ जाए हाँ। तो ये इतना बढ़ता जाए कि ये एक तरह से रिसर्जेंस ऑफ ग्लेशियर्स लूजली स्पीकिंग हो सकता है मेरी ये उम्मीद है मगर वरना नेचुरल फोर्सेस को तो आप आर्टिफिशियल रेन तब कर सकते हैं जब बादल हो मॉइस्चर हो वो सब कंडीशंस हो वो हो या ना हो हमारे हाथ में नहीं और ग्लेशियर्स बाय एंड लार्ज थोड़े अगर जैसे स्टीप हैं तो डू यू थिंक जैसे हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं उस तरह से हम टेरेसिंग कर सकते हैं हाँ, जो तो आप देखें एक तो हम बिल्कुल मान ले एक वैली में है हाँ. हम 2-3 स्टेज में बनाते हैं मान लो वहाँ हम एक गाँव में बना है एक बिल्कुल 1 किलोमीटर गांव के गांव से दूर फिर दूसरा और 2 किलोमीटर के बाद और तीसरा 4-5 किलोमीटर के बाद तो उससे क्या होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है जो नीचे सबसे नीचे वाला है वो पिघल ख़त्म होने से पहले वो बीज वाला स्टार्ट हो जाता है वो ख़त्म होने से पहले फिर वो लास्ट वाला पिघलेगा उसके बाद तो नेचुरल फिर वहाँ से वो जून में तो फिर वो जो ये नेचुरल ग्लेशियर पिघल कर वो पानी आ जाते हैं तो इसका एक सिलसिला जारी रहता है और साथ साथ उसका रिचार्जिंग भी तो हो जाएगी नौरफ़ साहब आपने ग्लेशियर्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने में बहुत अचीवमेंट की है व्हाट आर यू लुकिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट ड्रीम क्या है
अब मेरा नेक्स्ट ड्रीम तो ये है, जहाँ जहाँ ये जो लोगों का खासकर पानी के बारे में जो ये दिक्कतें आ रहे हैं, जहाँ जहाँ ये पॉसिबिलिटीज है तो वहाँ ये ग्लेशियर बनना चाहिए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो इसलिए लास्ट में स्पीति गया था, वहाँ भी उन्होंने एक तो हम क्या करते हैं ये फार्मर को एक्सपोजर टूर पर ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं इससे ये फायदा तो ये होता है। तो इससे काफ़ी लोग वहाँ से, खासकर ये हिमाचल से लोग काफ़ी आया, ये उन्होंने सोचा हम ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं वो देखने के लिए, तो हमने उनको एक्सपोजर पर हम अपने प्रोजेक्ट साइट पर ले गए हैं, वो हमने उनको समझाए ऐसे ऐसे होता है, उनके पूरे मन में ये बैठ गया है। तो उन्होंने मुझे इन्वर्ट किया वहाँ आके, हमें बताए सके, तो मैं स्पीति भी जाके वहाँ लोगों को पूरा मैंने वो पिक्चर देखा और उनको साइट पे ले जाके बताया कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे होना चाहिए। तो लास्ट ईयर में जंस्कर भी गया, वहाँ भी हमने स्टार्ट किए हैं। तो अब ये अभी स्टार्टिंग है, जब एक गांव में वो देखेंगे, मान लो स्पीति में एक गांव में आकर ये कामयाब हो गया, ठीक हो जाए, वो नेक्स्ट गाँव वाला इसका वो नकल करेगा इस तरह जंस्कर में। तो और उसके साथ साथ छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं वो बने, फिर वो डॉक्यूमेंट देखने से भी लोगों को पता चल जाता है इस जगह में जब ये हो सकता है हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकता। तो ये हमारा ये अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का ये जो सिलसिला आपने शुरू किया, ये रिटायरमेंट के बाद शुरू किया? मोस्टली हाँ, जब मैं रिटायर हो गया ना, तो उसके बाद मैंने ये इसमें ज्यादा ध्यान दिया। जब हम नॉर्मल जॉब्स में होते हैं तो ये जो मोरीबन तरीके होते हैं ना, ये क्या कर रहे हो, ये पागलपन, एक्सप्लेनेशन निकाल देंगे। हाँ। ये जब आजाद हुए तब ही इनके क्रिएटिविटी फूट पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन ये खत्म यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि नाउ यू आर वर्किंग ऑन न्यूट्रिशन। ले न्यूट्रिशन जो ये संस्था जो ना, ये लाख में फर्स्ट एनजीओ है। अच्छा। जो 1978 में भी एक वो फ्लड आया है, उसे कभी न्यूट्रिशन में वो हो गया। तो यूएनएसएफ ने तो ये संस्था खोला है। तो उस वक्त ये एज ये क्या कहते हैं, उस वक्त काफ़ी लोगों को ये न्यूट्रिशन के कमी हो गया, तो उस वक्त तो ये न्यूट्रिशन खोला। तब नाम वही रखा, लेकिन उसमें आप इसका जो ये जो इसके प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अब बाद में उसके बाद हमने ये वाटरशेड का प्रोग्राम चला है। तो वाटरशेड में तो मुझे काफ़ी ये चांस मिला कि ऐसे ऐसे काम करने में सर। तो अभी वो न्यूट्रिशन वाला अभी तो नाम वही रह गया, लेकिन अभी न्यूट्रिशन वाला ख़त्म हो गया है, तो हम बाकी इसमें काम जो है डाइवर्ट हो गया है। सुनो, बाय एंड लार्ज जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इन अ प्लेस लाइक लद्दाख, ट्रेडिशनली न्यूट्रिशन वुड हैव बीन लेस फॉर द पीपल। इज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग नाउ? आर यू एजुकेटिंग पीपल अबाउट बेटर न्यूट्रिशन, क्या खाना चाहिए क्या नहीं? मैं तो नहीं सोचता हूँ। पीपल हैड मच लेस रिसोर्सेज इन द पास्ट, बट दे वर वेरी क्रिएटिव। नॉट दैट ईच इंडिविजुअल वॉज क्रिएटिव, देर वॉज ए कल्चरल क्रिएटिविटी इन द होल सोसाइटी। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। व्हेन ए वुमन वुड बी प्रेग्नेंट, वी वर परहैप्स नॉट एज रिच in natural abundance as in Lucknow or Delhi, but we were rich in social capital that I spoke of. The whole village would visit that house with all kinds of nutritious things. This is a tradition still continues in some shadow of it. So the whole village would bring nutritious things to the woman who is about to give birth or has given birth. So the village will collect themselves to raise a child in a way. Similarly, we didn't have variety, but we would eat very healthy from whatever was possible. Actually, there's more chances of malnutrition now with these 2-minute noodles feeding babies and children, you know. Mal meaning misnutrition children, causing badly nourished children. In the past, we had very healthy whole wheat stews and soups and things, so there weren't such risks of malnourishment
in strange ways as is now because of misguided nourishment, which can happen anywhere. Yeah. So I think we were very resourceful in use of energy. For example, Ladakhi dishes, aap dekhenge, to payenge ki jaise thukpa hai, ek aisa soup jisme aapko peas milenge jo protein deti hai, wheat milegi jo carbohydrate deti hai, meat thoda sa milega jo aapko. So it's a whole complete meal. Complete meal, और इनको सबको एक साथ एक बर्तन में पकाते हैं. तीन बर्तन में ये चावल, ये दाल, ये सब्जी नहीं, क्योंकि हमारे पास ईंधन नहीं था. तो जितना ईंधन है उसके साथ एक ही बर्तन में हर चीज को डाल के इतना स्वादिष्ट एक पकवान बनाएंगे कि जो आपको आपके शरीर को सारा न्यूट्रिशन देगी और आपको उसके लिए तीन तीन आग नहीं जलाना पड़े. तो इस तरह से डिजाइन हुआ है, सदियों से इवॉल्व हुआ है, विच इज व्हाट वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ व्हेन वी आर फेस्ड विद दिस राजमतास. In fact, even your gurgur chai, that's also so nutritious, yes, with butter in it. It has butter, maybe not good for people in Delhi, but for people who walk across passes and work on the fields, it's an amazing... Dry climate. With dry climate where you lose salt, it's a salt tea with butter in it, designed for the place. But as times change, as people become lazy, then the same foods may change meaning. One question I want to ask you both as the last question on the program. Hum jo ye baatein kar rahe hain glaciers, artificial glaciers ki, education ki, stupas ki, to isme aapko kis tarah ki funding ki zarurat padti hai aur sarkar se kis tarah ki sahayata milni chahiye ya milti hai? Mera jo concept tha, istupa form of artificial glaciers, wo not established, still an experiment था. तो मैंने ये कभी उम्मीद भी नहीं की कि इससे सरकार के सामने पेश करना चाहिए, उन्हें समझने में टाइम लगेगी, पूछते पूछते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा. तो मैंने इसका फंडिंग और एक इनोवेटिव तरीके से किया. अभी इंटरनेट का जमाना है, वेबसाइट्स हैं जो क्राउड फंडिंग जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया मिलके एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है. तो हमने यही 4 महीना पहले एक प्रोग्राम बनाया विद अ शॉर्ट फिल्म indiegogo.com पर. अभी भी आप जाएं तो आइस्तूपा प्रोजेक्ट ऑन indiegogo.com, हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया पूरे दुनिया को और सब ने मिल के $130,000 लगभग 75 लाख रुपये जमा किए पूरे दुनिया से. और किसी ने $1, किसी ने 10 रुपए, किसी ने $5 से, किसी ने 30 लाख तक डोनेट किया, हर कोई जिसको ये पसंद आया. और एक तरह से मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब पुराने जमाने में स्तूपास बनते थे लद्दाख में तो सारा कम्युनिटी मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करती थी. अब ये स्तूपा ग्लोबल है क्योंकि हम एक ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी ग्लोबल होना चाहिए. जी. तो हमने इस तरह से पहला कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया. अब मुझे फोन आते हैं सरकार से कि आप ये वाला वो हमारे उस गांव में करेंगे, क्या वो लगेगा, हम फंडिंग रख रहे हैं. ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि एक ग्लोबल कम्युनिटी है, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ कम्युनिटी, तो एक ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर इतना खूबसूरत एक ये आइस टोपर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है. आपको क्या ऐसे लगता है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के लिए भी इस तरह का कोई कुछ किया जा सकता है? मेरे केस में तो ऐसे हैं, जब मैं जो कोई प्रोजेक्ट बनते हैं तो यहाँ से कोई लोग आते, डोनर लोग आते हैं तो मैं उनको साइट पे ले जाता हूँ, दिखाता हूँ उनको कैसा क्या है. जब उनको जब प्रोजेक्ट देखते हैं तो उनको ये उसको ये काफ़ी ये संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इसमें कुछ पैसा देने से वो कम चलेगा. इस तरह मिलन देखो ना, ये 7 बार ना आ जाए वाले बहुत कम करते हैं आर्मी वाले. तो उन्होंने मेरे कुछ प्रोजेक्ट देखा, वो साइट पे विजिट किया है, उन्होंने देखा हाँ ये गांव वालों को कुछ फायदा है तो उन्होंने हेल्प किया है. तो रिसेंटली फिर वो या ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कुछ टीम आए, उन्होंने ये प्रोजेक्ट देखे हैं तो उन्होंने भी कुछ हमें ये इसमें सपोर्ट किए हैं. तो इसी तरह एक बार ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड वाले एक टीम आया है, तो काफी लोग हैं जो आपको तो जब वे देखते हैं प्रोजेक्ट देखते हैं फिर उनको काफी इससे इम्प्रेस हो जाता है तो वो कुछ फंडिंग के लिए
आ जाते हैं. पैसा देना उतनी बड़ी बात नहीं है, मगर एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि क्यों ये पहाड़ के लोगों को ऐसी मुसीबतें आ रही हैं हमारे जीवन शैली के कारण. तो जब हम लोगों से ग्लोबल अपील करते हैं, सो थाउजेंड टेन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल्सो बिकम एजुकेटेड एंड फील दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ सोल्यूशन नाउ rather than daily contributing to the problem. So we wanted to share that happiness as well as that education of this, as I said, live simply so that we can simply live. That's so beautiful. And thank you both for sharing your ideas and your contribution to the climate with us on our program today. And I'm sure a lot of people will get educated by seeing this program. Thank you very much for being here today.